नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऊना में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, 200 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, मौके पर तमाम मंत्रीगण रहे मौजूद। शिमला के होटल पिटरहॉफ पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, पीटीए शिक्षकों को मिला नियमितीकरण का लाभ, अध्यापक संघ ने सीएम का जताया आभार। 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांगड़ा एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, मंत्री अनुराग ठाकुर ने की पत्रकारों से बातचीत। 2023 के चुनाव के प्रचार में जुटी राजनीतिक पार्टियां, विधायक परमजीत सिंह पहुंचे बद्दी, कृष्णपुरा में सामुदायिक केंद्र का किया उद्घाटन। और शिमला में पेनटाउन स्ट्राइक पर 2500 डॉक्टर ग्रेड पे की अदा करने को लेकर कर रहे मांग, मरीजों को झेलनी पड़ रही परेशानी। चलिए खबरों में आगे बढ़े और सीएम जयराम ठाकुर ने आज ऊना जिले के विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए के विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। और इस अवसर पर पुराना बस अड्डा ऊना में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की दुष्टता पर चुटकी लेते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, वहीं केंद्र और प्रदेश में कई कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ो अभियान पर हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं और प्रदेश में भी पवन काजल और लखविंदर राणा, योगराज और हर्ष महाजन जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत किया है जो प्रदेश की आर्थिकी के लिए वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे प्रदेश को स्वीकृत इस परियोजना में अड़ंगा डालने के हर संभव प्रयास करते रहे और अब जब यह परियोजना स्वीकृत हो चुकी है तो इसे अब अपना ड्रीम प्रोजेक्ट होने का दावा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और स्वभाव अन्य नेताओं से भिन्न है। आजादी के 75 वर्षों के अवसर पर राष्ट्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के योगदान को स्मरण करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री की अलग शैली का परिचायक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 75 कार्यक्रमों के माध्यम से इसे भव्य ढंग से मनाने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ सीएम ने इस अवसर पर राजकीय माध्यमिक पाठशाला बटौली और जागरण को उच्च पाठशालाओं में स्थानांतरित करने और ग्राम पंचायत ननंगरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, विकास और पंचायती राज मंत्री जिलाध्यक्ष मनोहर लाल और निदेशक श्रम और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। एक बार फिर से आज ऊना में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सब लोगों ने सभी सारे नेतृत्व का यहाँ पर गर्वजोशी के साथ इस तरह से अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप कह रहे हैं वो करना भी है। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सरकार का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, जय प्रकाश नड्डा जी, उन सबके आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जहां ऊना विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप भी चट्टान की तरह साथ देते रहे, सहयोग देते रहे और आज हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ा। मैं हिमाचल प्रदेश में सभी जगह जा रहा हूं, 68 विधानसभा क्षेत्र में से लगभग 63 विधानसभा क्षेत्र हमने मिले, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश पर लोगों के बीच में जा रहा हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं
कि हिमाचल प्रदेश की 75 वर्ष की इस यात्रा में एक मजदूर का धन्यवाद करने के लिए भी जयराम ठाकुर निकला, एक कर्मचारी, एक किसान, एक डॉक्टर जिन्होंने हिमाचल को आगे बढ़ाने का अपना योगदान दिया, उनका आभार करने के लिए हम निकले। चाहे एक सेना में सिपाही है उसका योगदान, एक कर्मचारी है उसका। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर आज होटल पिटरॉप पहुंचे, जहां पीटीए नियमित अध्यापक संघ की ओर से सीएम का आभार और अभिनंदन किया गया। और इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, जिसमें प्रदेश के शिक्षक विशेष योगदान दे रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार ने पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों की मांगों को पूरी तरीके से अनसुना कर दिया, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों के दर्द को समझा और इसका समाधान निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों से सालों से लंबे संघर्ष के बाद उन्हें नियमित कर विभाग में समायोजित किया गया और सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 6500 पीटीए और 3300 पैट और 97 पैरा शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। सीएम ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि पीटीए नियमित शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ पूर्व तिथि से प्रदान करने पर राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त सचिव को इसके वित्तीय और अन्य पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में 10,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र में 8,412 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। उसके बाद से पीटीए नियमित अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश ठाकुर ने सीएम का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और विशेष तौर पर सीएम जयराम ठाकुर ने पीटीए शिक्षकों की पीड़ा को समझा, उनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पीटीए नियमित अध्यापक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित मुखिया ने सीएम सहित सभी का आभार व्यक्त किया है। किसी के भविष्य को बनाने में और उनके बच्चों के भविष्य बनाने में हम कुछ मदद कर सकते, ये एक बहुत बड़ा संतोष और इस दृष्टि से सारी चीजें की और हम आगे बढ़े। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप एक सुरक्षित, जिसको बोल सकते हैं, भविष्य की तलाश में जहां भटक रहे थे वो तलाश आपकी पूरी हो गई। एक सुरक्षित भविष्य आपके पास है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, और उसके लिए निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और उस लोग के इस निर्णय से लगभग 6,500 के लगभग पीटीए, 3300 के लगभग शायद पैट थे, 3100 के लगभग पैट थे, और 97 जो हमारे पैरा टीचर हैं, जो आपको जीआईए जो है वो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, हम 6,000 का इंक्रीज भी किया था ताकि थोड़ा आपके लिए बहुत आराम। देखिए अध्यापकों का एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में। टीचर्स अपना दायित्व जो है जिम्मेवारी के साथ समाज को दिशा देने के लिए, जो हमारी नई पीढ़ी है उसको, उसका भविष्य को एक दिशा देने के लिए काम करता है, उस देश का भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित। तो वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया और पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंबा दौरे को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और वो लगातार हिमाचल आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी और बिलासपुर में जुटी रिकॉर्ड भीड़ ने यह बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हिमाचल के लोगों का अपार स्नेह है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के एम्स के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की सूच करार दिए जाने पर बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर दे जो उनकी सोच विचार में आज भी है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले बजट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईएम और अखिल भारतीय आयुर्वेद ज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हिमाचल को दिए थे।
माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर भी मानते हैं और जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा देना हो या फिर एम्स, पीजीआई या मेडिकल कॉलेज, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर आईआईएम और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक, बहुत बड़ी देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। एक के बाद दूसरा दौरा किया, ये तो उनका दूसरा घर है, जितनी बार आएंगे उतनी बार उनका स्वागत है। और आपने हर बार देखा, चाहे मंडी हो या बिलासपुर हो, रिकॉर्ड भीड़ आई, ये अपने आप में मोदी जी के प्रति हिमाचल की जनता का जो स्नेह है वो देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को काफी कम समय रह गया है। इसी बीच प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पोते और सदर विधायक अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने बीते दिनों मंडी में 3 सालों तक बीजेपी से दूरियां बनाने के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में परिवार सहित पार्टी में वापसी की घोषणा की थी। कौल सिंह ठाकुर जी ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। मैं सम्मान पूर्वक ठाकुर साहब को ये कहना चाहता हूँ, ठाकुर साहब मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं है, मेरा नाम आश्रय शर्मा है। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पिता ने एक फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी में रहने का। उनकी ये सोच रही कि पार्टियां बदलकर लोग जो हैं ये बात कहते हैं कि कभी एक दल कभी दूसरा दल, तो जिस दल में मैं हूं उसी दल में मैं रहना पसंद करूंगा। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सियासी दिग्गज कहे जाने वाले पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद से कौल सिंह ठाकुर ने आश्रय शर्मा पर हमला साधा है। एक ही पार्टी में रहकर भी आश्रय शर्मा के धुर विरोधी रहे कौल सिंह ने पंडित सुखराम के परिवार को आया राम गया राम बताया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पंडित सुखराम के परिवार को आया राम गया राम की संज्ञा दिया करते थे और आज संज्ञा सच हो गई है। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आश्रय शर्मा के पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस को कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने आश्रय को चुनौती दी है कि यदि आश्रय शर्मा चाहें तो ट्रंग विधानसभा क्षेत्र से कौल सिंह ठाकुर के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तत्कालीन वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आश्रय शर्मा के पिता अनिल शर्मा पहले नवरात्रि में कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे और उन्हें कांग्रेस से टिकट देने को लेकर भी चर्चा चल रही थी। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।